हेलो फ्रेंड्स, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डीसी के वीडियोस में हम पार्ट 16 स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस ये देख रहे हैं, जिसमें आर्टिकल्स 330 से लेके 342 तक होते हैं। आपको इसका नोट्स मिलेगा एफबी पेज में, fb.me/पद्मिनी क्लासेस में। आर्टिकल 338 तक प्रीवियस वीडियो में हमने कर लिया, आज हमें करना है आर्टिकल 338 में हमने देखा नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट्स, तो आज देखेंगे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ठीक है, तो दोनों को कंपेयर करते करते देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ऑलमोस्ट सेम प्रोविजन है दोनों के लिए। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, देयर शैल बी ए कमीशन फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स टू बी नोन एज द नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, NCST शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, एक कमीशन होगा शेड्यूल्ड ट्राइब्स के वेलफेयर के लिए, उसका नाम है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स टू subject to the provisions of any law made in this behalf by parliament, the commission shall consist of a chairperson, vice chairperson and three other members, and the conditions of service and tenure of the office of the chairperson, vice chairperson and other members so appointed shall be such as the president may by rule determine. To kya hai, to isme एक चेयरपर्सन होंगे, एक वाइस चेयरपर्सन होंगे, थ्री मेंबर्स आदर होंगे, पूरे पांच मेंबर्स हैं। सेम टू सेम है, NCST में भी सेम है, और इनके सर्विस कंडीशंस और कितने साल के लिए होंगे ये प्रेसिडेंट तय करेंगे, वहाँ भी सेम है। ठीक है, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड सेम है ये। तो पॉसिबल क्वेश्चन, टोटल हाउ मेनी मेंबर्स आर देर इन NCST? तो 5, 1 चेयरपर्सन, 1 वाइस चेयरपर्सन एंड 3 मेंबर्स। नेक्स्ट, the chairperson, vice chairperson and other members of the commission shall be appointed by the president by warrant under his hand and seal. ठीक है, इनको अपॉइंट कौन करते हैं, इसके मेंबर्स को, चेयरपर्सन हो, वाइस चेयरपर्सन हो, मेंबर्स हो, प्रेसिडेंट करेंगे। हु अपॉइंट्स द मेंबर्स ऑफ द NCST? प्रेसिडेंट। तो 4, द कमीशन शैल हैव द पावर टू रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर। तो ये कमीशन जो भी इसका मैंडेट है, काम है, उसको कैसे करती है, कैसे प्रोसीजर कैसे करना है, ये सब कौन तय करते हैं, खुद तय करती हैं। सो पॉसिबल क्वेश्चन, हु रेगुलेट्स द प्रोसीजर ऑफ द NCST? NCST इट्सेल्फ। तो ये भी बिल्कुल सेम है, NCST में जो चला आ रहा है वही प्रोविजन सेम टू सेम रिपीट हो रहे हैं यहाँ। नेक्स्ट, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द कमीशन। तो कमीशन के पास क्या ड्यूटीज़ हैं, ए टू इन्वेस्टिगेट एंड मॉनिटर ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू द सेफ गार्ड्स प्रोवाइडेड फॉर द शेड्यूल ट्राइब्स अंडर दिस कॉन्स्टिट्यूशन और अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बींग इन फोर्स और अंडर एनी ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट टू इवेल्युएट द वर्किंग ऑफ सच सेफ गार्ड्स। तो इस कमीशन का क्या काम है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी सेफ गार्ड्स प्रोवाइड किया गया है, सेफ्टी के लिए जो भी मेजर्स दिया गया है शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, उसको इन्वेस्टिगेट करना, मॉनिटर करना, और कोई भी कोई लॉस है गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट्स के, सेंट्रल गवर्नमेंट्स के, तो उन सब के वर्किंग इवेल्युएट करना, चेक करना। तो पॉसिबल क्वेश्चन, हु मॉनिटर्स द मैटर्स रिलेटिंग टू शेड्यूल ट्राइब्स, NCST पूरे कंट्री के। नेक्स्ट, टू इंक्वायर इन टू स्पेसिफिक कंप्लेंट्स विथ रेस्पेक्ट टू द डिप्राइवेशन ऑफ राइट्स एंड सेफ गार्ड्स ऑफ द शेड्यूल ट्राइब्स। तो कोई भी शेड्यूल ट्राइब के होंगे और उनका कोई कंप्लेंट्स हैं, अपना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं बाकी लोग, तो कंप्लेंट्स कहाँ करेंगे, इस NCST में। वेयर डज पीपल बिलोंगिंग टू शेड्यूल ट्राइब्स रजिस्टर देयर कंप्लेंट्स, NCST में। तो ये भी सेम है, NCST का भी इसी तरह से सेम टू सेम वर्ड बाई वर्ड रिपीट हो रही है। नेक्स्ट, टू पार्टिसिपेट एंड एडवाइस ऑन द प्लानिंग प्रोसेस ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द शेड्यूल ट्राइब्स एंड टू इवेल्युएट द प्रोग्रेस ऑफ द डेवलपमेंट अंडर द यूनियन एंड एनी स्टेट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को इनके प्लानिंग्स में पार्टिसिपेट करना और एडवाइस करना कि शेड्यूल ट्राइब्स को और कैसे कैसे डेवलप किया जाए, प्रोग्रेस कैसे किया जाए इनके कंडीशंस को। पॉसिबल क्वेश्चंस, हु एडवाइजेस द गवर्नमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स, NCST। नेक्स्ट, टू प्रेजेंट द प्रेसिडेंट एनुअली एंड एट सच अदर टाइम्स एज द कमीशन में डीम फिट रिपोर्ट्स अपॉन द वर्किंग ऑफ देयर सेफ गार्ड्स। तो एक कुछ काम कर रही है इनके शेड्यूल ट्राइब के वेलफेयर के लिए, तो एवरी ईयर एनुअल रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सबमिट करते हैं, और बीच में भी चाहते हैं, बीच में भी लगता है सबमिट करना है तो और भी रिपोर्ट सबमिट कर सकते हैं। पॉसिबल क्वेश्चंस, हु रिपोर्ट्स पीरियोडिकली टू द प्रेसिडेंट द कंडीशंस ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स, NCST। नेक्स्ट, टू मेक इन सच रिपोर्ट्स रिकमेंडेशंस एज टू द मेजर्स दैट शुड बी टेकन बाय द यूनियन और एनी स्टेट फॉर द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ
those safeguards and other measures for the protection, welfare and socio-economic development of the scheduled tribes. तो इस reports में क्या होता है कि उनने क्या काम किया और क्या कुछ recommend करते हैं और इनके scheduled tribes के welfare के लिए और क्या कर सकते हैं. What does the reports that the NCST submit to the president contain? Recommendations for the बेटरमेंट ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स. कुछ तो सेफ गॉड्स हैं और बट इनका कंडीशन इम्प्रूव करने के लिए और क्या कर सकते हैं रिकमेंड करेंगे. नेक्स्ट, टू डिस्चार्ज सच अदर फंक्शंस इन रिलेशन टू द प्रोटेक्शन, वेलफेयर एंड डेवलपमेंट एंड एडवांसमेंट ऑफ द शेड्यूल ट्राइब्स एज द प्रेसिडेंट में सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ मेड बाई पार्लियामेंट बाई रूल स्पेसिफाइड. अगर प्रेसिडेंट को लगता है और भी शेड्यूल ट्राइब के एडवांसमेंट के लिए और भी कुछ करना चाहिए, ऐसे भी ऐसे कोई और भी फंक्शंस हैं तो वो भी दे सकते हैं एनसीएसटी को करने के लिए. नेक्स्ट, द प्रेसिडेंट शैल कॉज ऑल सच रिपोर्ट्स. तो प्रेसिडेंट को एनुअल रिपोर्ट सबमिट कर रही है ये एनसीएसटी, तो प्रेसिडेंट उन रिपोर्ट्स के साथ क्या करेंगे? द प्रेसिडेंट शैल कॉज ऑल सच रिपोर्ट्स टू बी लेड बिफोर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट अलॉन्ग विद द मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग द एक्शन टेकन और प्रपोज टू बी टेकन on the recommendations relating to the union and the reasons for the non-acceptance if any of such recommendations. तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे, जो एन सी एस टी रिपोर्ट सबमिट करती है एनुअल रिपोर्ट्स, उसको दोनों हाउसेस राज्यसभा लोकसभा में ले करवाएंगे और उसके साथ एक मेमोरेंडम भी लगाएंगे कि एन सी एस टी ने उस साल उस एनुअल रिपोर्ट में एनुअल मतलब साल में क्या किया और क्या करना चाहती हैं और कौन से रिकमेंडेशंस कर रही है और इम्प्रूवमेंट के लिए. अगर अगर पिछले एनुअल रिपोर्ट का कोई रिकमेंडेशंस एक्सेप्ट नहीं हुआ तो क्यों हुआ, उसका भी रिपोर्ट प्रेसिडेंट दोनों हाउसेस के पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस पे ले करवाएंगे. व्हाट डज द प्रेसिडेंट डू विद द रिपोर्ट सबमिटेड बाय एनसीएसटी? ही गेट्स देम लेड बिफोर ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. नेक्स्ट, वेयर एनी सच रिपोर्ट और एनी पार्ट देर ऑफ रिलेट्स टू एनी मैटर विथ विच एनी स्टेट गवर्नमेंट इज़ कंसर्न. तो इस तरह के एनुअल रिपोर्ट्स में जनरली क्या किया, क्या करने वाले हैं और क्या कर सकते हैं रिकमेंडेशंस है तो पार्लियामेंट में ले हो जाएगा. अगर उसमें स्पेसिफिकली किसी स्टेट्स के शेड्यूल ट्राइब्स के इम्प्रूवमेंट के बारे में रिकमेंडेशंस हैं, यहाँ के कंडीशंस के बारे में कुछ जिक्र हैं, तो प्रेसिडेंट उसके ऐसे रिपोर्ट्स के साथ क्या करेंगे, पार्लियामेंट में तो ले करवाएंगे ही. और ए कॉपी ऑफ सच रिपोर्ट शैल ऑल्सो बी फॉरवर्डेड टू द गवर्नर ऑफ द स्टेट. तो इस तरह के रिपोर्ट्स को अगर स्टेट गवर्नमेंट के जिक्र हैं किसी स्टेट के शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में, तो उस स्टेट के गवर्नर को फॉरवर्ड कराएंगे. हु शैल कॉज इट, तो उस गवर्नर क्या करेंगे, हु शैल कॉज इट टू बी लेड बिफोर द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट अलॉन्ग विद अ मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग द एक्शन टेकन और प्रपोज टू बी टेकन ऑन द रिकमेंडेशंस रिलेटिंग टू द स्टेट एंड द रीजन्स फॉर द नॉन एक्सेप्टेंस इफ एनी ऑफ सच रिकमेंडेशंस. तो उस गवर्नर क्या करेंगे, अपने स्टेट लेजिस्लेचर में ले करवाएंगे और उसके साथ मेमोरेंडम, जैसे प्रेसिडेंट दे रहे हैं उसी तरह से मेमोरेंडम होगा कि एक्शन क्या किया और क्या करने वाले हैं क्या एनसीएसटी ने और इस स्टेट के बारे में इससे पहले भी रिकमेंडेशंस किया है तो रिकमेंडेशन को स्टेट गवर्नमेंट ने फॉलो किया, नहीं किया, नहीं किया है तो क्यों नहीं किया. व्हाट डज द प्रेसिडेंट डू इफ ही फाइंड्स एनी स्टेट सेंट्रिक डिटेल्स इन द रिपोर्ट्स ऑफ एनसीएसटी? इसे स्टेट के पर्टिकुलर डिटेल्स हैं ऐसे वहाँ के शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में, प्रेसिडेंट क्या करेंगे, ही फॉरवर्ड्स टू द कंसर्न गवर्नर ऑफ द स्टेट. ऐसे फॉरवर्ड करना ही नहीं, फॉर नेसेसरी एक्शन, क्या कुछ काम के लिए, क्या काम है, अपने लेजिस्लेचर में ले करवाएंगे ताकि उसमें जो भी रिकमेंडेशंस हैं उसमें एक्शन लिया जाए. नेक्स्ट, द कमीशन शैल वाइल इन्वेस्टिगेटिंग एनी मैटर रिफर्ड टू इन द सब क्लॉज, ये फर्स्ट में है, और इंक्वायरिंग इन टू एनी कंप्लेंट रिफर्ड टू इन सब क्लॉज बी ऑफ क्लॉज 5 हैव ऑल द पावर्स ऑफ ए सिविल कोर्ट. तो इस कमीशन के पास ड्यूटीज़, पहले हमने देखा क्या ड्यूटीज़ हैं, अभी पावर्स देख रहे हैं, क्या पावर्स हैं, इक्वल पावर्स हैं एज इट इज़ सिविल कोर्ट जैसा. ट्राइंग है कोई कंप्लेंट्स देखे इस मामलों में, ट्राइंग ए सूट एंड इन पर्टिकुलर इन रेस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स नेमली. तो इनके पास क्या क्या पावर्स हैं देखते हैं, और सारे के सारे सिविल कोर्ट जैसा ही है. फर्स्ट, समनिंग एंड एनफोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ इंडिया एंड एग्जामिनिंग हिम ऑन ओथ. किसी को भी बुला सकते हैं, ज़बरदस्ती बुला सकते हैं कि आना ही आना है और हमारे सामने अंडर ओथ हमें जवाब देना है. बी, रिक्वायरिंग द डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट. तो कोई भी पेपर मंगा सकते हैं देखने के लिए.
सी रिसीविंग एविडेंस ऑन एफिडेविट्स, ये सारा काम सिविल कोर्ट भी करते हैं। सिविल कोर्ट के जो पावर्स है कमीशन के पास भी वही पावर्स है। कौन सा कमीशन? NCST नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स। तो रिसीविंग एविडेंस, एविडेंस लेना ऑन एफिडेविट पे, वो भी ये सारे पावर्स हैं। नेक्स्ट रिक्विजिशनिंग, मतलब मंगाना एनी पब्लिक रिकॉर्ड और कॉपी देर ऑफ फ्रॉम एनी कोर्ट और ऑफिस, मतलब पूरे इंडिया के कोई भी कोर्ट से या कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस से कोई भी पब्लिक रिकॉर्ड मंगा सकती है। इशूइंग कमीशन्स फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस एंड डॉक्यूमेंट्स, तो विटनेस को बुला के एग्जामिन करवाना डॉक्यूमेंट्स, बिल्कुल कोर्ट जैसा चलेगा। एनी अदर मैटर विच द प्रेसिडेंट में बाय रूल, और भी कोई पावर्स प्रेसिडेंट दे तो वो भी होगा। तो पॉसिबल क्वेश्चन कैन वी से दैट, लेकिन हमने देखा कि इसमें बिल्कुल NCST का प्रीवियस वीडियो में जैसा देखा, सारे पावर्स हैं सिविल कोर्ट का, लेकिन सिविल कोर्ट के पास जिस तरह से पनिश करने का, प्रोसिक्यूट करने का पावर है, वो इस कमीशन के पास नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ रिकमेंड कर रही है कि क्या करना चाहिए एनुअल रिपोर्ट्स में प्रेसिडेंट को। कैन वी से दैट NCST हैज़ ऑल द पावर्स ऑफ ए सिविल कोर्ट एक्सेप्ट दैट ऑफ प्रोसिक्यूशन। बिल्कुल सही है, सिर्फ प्रोसिक्यूट करने का पावर्स नहीं है, बाकी सारे पावर्स हैं। नेक्स्ट, द यूनियन एंड एवरी स्टेट गवर्नमेंट शैल कंसल्ट द कमीशन ऑन ऑल मेजर पॉलिसी मैटर्स अफेक्टिंग शेड्यूल ट्राइब्स। तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, शेड्यूल ट्राइब्स के मामलों में कोई भी पॉलिसी मैटर्स हैं तो कंसल्ट किसको करेंगे? इसी कमीशन को करेंगे। होम डज द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स कंसल्ट विथ रेस्पेक्ट टू शेड्यूल ट्राइब्स NCST। नेक्स्ट आर्टिकल 339, ये क्या है? इट्स अबाउट कंट्रोल ऑफ द यूनियन ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को फुल कंट्रोल होता है शेड्यूल्ड एरियाज को एडमिनिस्टर करने का और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के वेलफेयर के बारे में। फर्स्ट, द प्रेसिडेंट में एट एनी टाइम एंड शल एट द एक्सपायरेशन ऑफ 10 years फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन बाई ऑर्डर अपॉइंट ए कमीशन टू रिपोर्ट ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड द वेलफेयर ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द स्टेट्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन जब बनी थी उसमें ये लिखा है कि 10 साल होते ही एक प्रेसिडेंट एक कमीशन अपॉइंट करेंगे जो रिपोर्ट करेगी, रिपोर्ट देगी कि शेड्यूल्ड एरियाज़ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा हो रहा है और शेड्यूल्ड ट्राइब्स का वेलफेयर कैसा हो रहा है। पॉसिबल क्वेश्चन, हु कॉन्स्टिट्यूट्स द कमीशन विथ रेस्पेक्ट टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स? प्रेसिडेंट। तो और क्या कर सकते हैं उसमें प्रेसिडेंट? द ऑर्डर में डिफाइन द कंपोजिशन, उसमें कौन होंगे पावर्स, उनका क्या पावर्स होगा एंड प्रोसीजर ऑफ द कमीशन एंड मे कंटेन सच इंसिडेंटल एंड एंसिलरी प्रोविजन्स एज द प्रेसिडेंट मे कंसिडर नेसेसरी एंड डिजायरेबल। तो प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, वहाँ जो उसके अंदर जो क्या कौन लोग होंगे, उनका क्या काम होगा, क्या पावर्स होगा, ये भी प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे। सेकेंड पॉइंट, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल एक्सटेंड टू द गिविंग ऑफ डायरेक्शंस टू अ स्टेट एज टू द ड्रॉइंग अप एंड एग्जीक्यूशन ऑफ स्कीम्स स्पेसिफाइड इन द डायरेक्शन टू बी एसेंशियल फॉर द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स इन द स्टेट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक पावर है कि स्टेट गवर्नमेंट्स को डायरेक्ट करने के लिए कि ऐसे ऐसे स्कीम्स निकालिए जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के वेलफेयर के लिए काम है। पॉसिबल क्वेश्चंस, हु रिजर्व्स द राइट टू गिव डायरेक्शंस टू स्टेट गवर्नमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू वेलफेयर ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स? सेंट्रल गवर्नमेंट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू NCST। द चेयरपर्सन हैज़ बीन गिवन द रैंक ऑफ यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, ये सही है, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक होता है इस NCST के चेयरमैन का। सेकेंड, द कमीशन सबमिट्स इट्स रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट एंड टू द एंड एट द स्टेट लेवल टू द गवर्नर। ये गलत है क्योंकि कमीशन तो सिर्फ प्रेसिडेंट को सबमिट करती है, उसके बाद प्रेसिडेंट देख के पार्लियामेंट, सिर्फ पार्लियामेंट में ले करवाना है या स्टेट के बारे में कोई जिक्र है तो उस स्टेट गवर्नमेंट के गवर्नर को भी फॉरवर्ड कराना है, ये देख के करना प्रेसिडेंट का काम है, ना कि कमीशन उस स्टेट गवर्नमेंट को भेजती है। ठीक है, तो ये गलत है। तो आंसर फर्स्ट वन। तो कल का होमवर्क था, NCST का चेयरमैन कौन है आज के दिन? डॉक्टर रामशंकर कथेरिया हैं। और आज का होमवर्क, NCST का चेयरमैन कौन है? ठीक है, थैंक यू, टिल नेक्स्ट वीडियो।